फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग इलेक्ट्रॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस स्टॉक में हो रहा है गिरावट और गिरावट को लेकर बहुत से लोग घबराए हुए हैं। जो इसके इन्वेस्टर्स हैं वो काफी परेशान हैं। आपकी परेशानी जायज है, लेकिन आपको समझना होगा कि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, कोई जुआ खेलने तो यहाँ आए नहीं है। तो जब आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको इस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों को बराबर सहना होगा। जब इस कंपनी में लगातार अच्छे दिन चल रहे थे, लगातार इस कंपनी का शेयर प्राइस रॉकेट बन रहा था, तब तो कोई नहीं कह रहा था कि प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है। और जब थोड़ा सा प्राइस गिरने लगा है, जो कि जाहिर सी बात है किसी भी स्टॉक का प्राइस जब बहुत बढ़ जाता है थोड़ी बहुत उसमें गिरावट होती है, तो इसमें इतने घबराने वाली क्या बात है। मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस कहां तक नीचे आ सकता है और उसके बाद कब से प्राइस ऊपर उठना शुरू होगा। साथ में कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर अब आने ही वाले हैं, मैं इसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। सबसे पहले चलते हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और वहां पर मैं आपको कुछ चीज दिखाना और बताना चाहता हूं। अभी हम लोग आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और यहाँ पे येलोस्टोन टेक्सटाइल्स लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक अभी रेड फ्लैग में, यानी कि ईएसएम स्टेज 2 में है। ईएसएम स्टेज 2 का मतलब होता है एनहांस सर्विस लाइन से मेजर। जब किसी स्टॉक में लगता है गिरावट या कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी पाई जाती है तो सेबी उसको ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में रखता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आप इस स्टॉक को अभी सेल नहीं कर पा रहे होंगे, सेल करने में दिक्कत आ रही होगी, तो बहुत से लोगों को ऐसा लगने लगा है कंपनी में कुछ मतलब सही नहीं है, ये सही कंपनी नहीं है, इसमें हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है, सामान्य सी बात है ईएसएम या जीएसएम की कैटेगरी में आना। आप इसको सेल करना ही चाहते हैं तो आप इसको मंडे के दिन सेल कर दीजिएगा। जब भी कोई स्टॉक में ईएसएम या जीएसएम कैटेगरी में लगा होता है वो स्टॉक, तो उसमें मंडे के दिन ट्रेडिंग होती है, तो आप मंडे के दिन इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, सेल करना ही चाहते हैं तो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इस स्टॉक को सेल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामान्य सी बात है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक का जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो है क्लोज हो गया था दिसंबर में और 1 फरवरी का डेटा आप याद रखिएगा, 1 फरवरी के दिन इस कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आने वाले हैं और जो कि अनुमान है कि अच्छे आएंगे। और एक बार रिजल्ट अच्छा आ गया और रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद इस स्टॉक का प्राइस फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो ये तो हो गया जो न्यूज के विशेष में बताया कि इसका प्राइस ऊपर कब जाएगा। अब चलिए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये समझते हैं कि इसका प्राइस कब तक कहाँ तक नीचे आ सकता है और कहाँ से ये सपोर्ट लेगा फिर प्राइस ऊपर उठेगा। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस कंपनी के फंडामेंटल को समझें। तकरीबन 170 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो आपको जो शेयर प्राइस है वो आपको सस्ता ही नजर आएगा। हालांकि शेयर प्राइस की तुलना पीई के हिसाब से की जाती है, पीई भी ठीक है, डबल डिजिट में के करीब है तो ठीक है। और बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस अभी थोड़ा सा कम है, जो कि जैसे मैंने बताया कि शेयर प्राइस जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो ये माइनस में, ये एक प्लस बात नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगे जब जैसे जैसे फंडामेंटल शेयर प्राइस कंपनी का बढ़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग आ गए हैं एक साल के चार्ट पर और यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये समझते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है कितना नीचे आ सकता है। तो आप जानते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद किसी भी कंपनी का प्राइस ऊपर जाता है, इसका प्राइस भी ऊपर गया। और चूंकि 1.5 और 2.5 3 3.5 रुपये का ये जो नंबर होता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, इसलिए यहाँ से इसका प्राइस घुमा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग होने लगा। प्रॉफिट बुकिंग होने की वजह से प्राइस नीचे आया। अब कितना नीचे आ सकता है देखना होगा, पहले कहाँ पर सपोर्ट था। देखिए ये जो आप लेवल देख रहे हैं यही इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, जो 1 रुपये के आसपास का लेवल है, क्योंकि यहीं पे देखेंगे तो इसने डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन में आया था, सपोर्ट लेके यहीं से प्राइस ऊपर उठा था और यहीं से कई बार प्राइस ऊपर नीचे किया है। तो जाहिर सी बात है ये प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है 1.20 रुपये करीब है, 20 पैसा और कम आएगा 1 रुपये तक आएगा। 1 रुपये तक आने के बाद फिर इसका प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठना शुरू होगा, उसके बाद फिर प्राइस आपको इजीली 2.5 रुपये तक जरूर जाते हुए, बहुत जल्द आपको जाते हुए दिखेगा। और जैसे मैंने बताया कि अभी इस कंपनी के 1 फरवरी के दिन क्या होने वाला है, कंपनी के क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं और हम सभी जानते हैं कि क्वार्टर के नंबर का शेयर प्राइस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस इजीली यहां से आपको जहां पर भी उस समय कंपनी का शेयर प्राइस होगा वहीं से घूमेगा और प्राइस ऊपर जाने के लिए अग्रसर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हम क्वार्टर के रिजल्ट को समझते हैं कि अभी जो क्वार्टर नंबर आने वाले हैं उसका और प्रीवियस क्वार्टर में क्या अंतर। देखिए पहले के जो कंपनी के क्वार्टर के नंबर आए थे सितंबर क्वार्टर का, वो अच्छे नहीं आए थे क्योंकि उसमें कंपनी का सेल्स नहीं हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार सेल्स नहीं हो, इसलिए इस बार जो क्वार्टर 3 की यानी जो दिसंबर क्वार्टर का नंबर आने वाले हैं वो काफी मतलब उससे लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो सेल्स होगा तो सेल्स होने के बजाय जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह भी बढ़ेगा जो पिछली बार नहीं हुआ था, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वह भी आपको बढ़ते हुए दिखेगा। नेट प्रॉफिट जो टैक्स देने के बाद बचता है ये देखिए थोड़ा सा, हालांकि पिछले क्वार्टर में बढ़ा था लेकिन इस बार और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज दिखाऊं तो आप जो बैलेंस शीट देखते हैं इस कंपनी का, तो बैलेंस शीट में आप पाएंगे कि ये एक ऐसी कंपनी, एक छोटी कंपनी होने के बावजूद इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, जबकि कई क्वार्टर आपने देखा पिछले क्वार्टर में कुछ कमाई नहीं हुआ था फिर भी कंपनी का लॉस नहीं बढ़ा था। इसके अलावा जो फ्री कैश फ्लो होता है, जो कैश पैसा होता है वो देखिए कंपनी के पास वो लगता है बढ़ रहा है, मतलब इसके कंपेरिजन में तो नहीं बढ़ा है लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले देखें तो यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखा है, यानी कि फंडामेंटली तो ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
फंडामेंटल भी कंपनी का बढ़िया है, लेकिन कहने का मतलब है क्वार्टर टू क्वार्टर, हर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का नंबर अच्छा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। लेकिन नया साल आ गया, हर क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर आने के अच्छे नंबर आने का उम्मीद है। तो इसलिए एलेस्टॉन टेक्सटाइल्स लिमिटेड में यदि आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप बने रहिए, पैनिक सेलिंग नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, आप इसके इन्वेस्टर्स हैं तो सुख और दुख दोनों में इस कंपनी का साथ दीजिए। उम्मीद करते हैं जो बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन कंपनी जरूर पूछेगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।